साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी को एक और चैलेंज आपके सामने रखना चाहता हूं, एक नया लक्ष्य भी देना चाहता हूं। ये चैलेंज देश के 22 राज्यों के 142 जिलों के लिए हैं। ये जिले विकास की दौड़ में पीछे नहीं है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में नहीं है, ये काफी आगे निकले हुए हैं, लेकिन अनेक पैरामीटर में आगे होने के बावजूद भी एकाध दो पैरामीटर्स ऐसे हो जिसमें वो पीछे रह गए। और सभी मैंने मंत्रालयों को कहा था कि वो अपने अपने मंत्रालय में ऐसा क्या क्या है ढूंढ सकते हैं। किसी ने 10 जिले ढूंढे, किसी ने 8 जिले ढूंढे हैं, किसी ने 6 जिले ढूंढे हैं, ठीक है, अभी इतना आया है। जैसे कोई एक जिला है जहां बाकी सब तो बहुत अच्छा है लेकिन वहां कुपोषण की दिक्कत है, इसी तरह किसी जिले में सारे इंडिकेटर्स ठीक है लेकिन वो एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है। सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने, अलग अलग विभागों ने ऐसे 142 जिलों की एक लिस्ट तैयार की है जिन एक दो पैरामीटर्स पर ये अलग अलग 142 जिले पीछे है। अब वहां पर भी हमें उसी कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना है जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं। ये सभी सरकारों के लिए, भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जो सरकारी मशीनरी है उसके लिए एक नया अवसर भी है, नई चैलेंज भी है। इस चैलेंज को अब हमें मिलकर पूरा करना है।